दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिकर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बल, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं और मैं रमेश शर्मा, जैसा कि आपको लेकर चलता हूं हमेशा बड़सर क्षेत्र के आसपास की उन सभी घटनाओं को लेकर, उन सभी समस्याओं को लेकर और ऐसे लोगों को, ऐसे प्रतिनिधियों, ऐसे जनप्रतिनिधियों को लेकर जो समाज के लिए प्रेरणा तो बनते ही हैं, साथ साथ में उनकी वजह से समाज में डेवलपमेंट भी होती है। दोस्तों, मैं समय समय पर आपके बीच में इन सब व्यक्तिगत जो लोग हैं जिनको हम अपने प्रतिनिधि बोलते हैं, इनको लाने का प्रयास इसलिए भी करता हूँ कि पहले जो ज़माना होता था लोग इन प्रतिनिधियों से बहुत दूर तक रहते थे, गैप रहता था, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते थे या प्रतिनिधि लोगों तक नहीं पहुँच पाते थे। तो अब मीडिया की इतनी ताकत हो गई है कि एक तो उनके सवालों के जो जवाब हैं वो प्रतिनिधियों के माध्यम से मिल जाते हैं और प्रतिनिधियों को भी एक आम आदमी से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, क्योंकि जब वो अपनी बातें बोलते हैं तो लोग कमेंट करते हैं, उन कमेंट के माध्यम से अगर उनकी कोई ग्रीवियंस होती हैं, उनकी कोई समस्याएं होती हैं तो उन तक पहुंचने में बहुत आसानी रहती है और यही सबसे बड़ा तंत्र है मीडिया का, जिसकी वजह से हम वहां तक आपको और उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि कई बार ये बातें आती हैं कि ये जो नेता हैं ये जीवन उत्साह के साथ संपर्क हैं तो ये इनका कोई व्यक्ति है या ये कोई व्यक्ति है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, मेरे लिए वो सर्वोपरि है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो समाज में गरीब है चाहे अमीर है, अगर वो व्यक्ति गलत काम करेगा तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं उस तक वो बात, उस समाज तक या सिस्टम तक वो बात पहुंचाऊं। लोगों का ये भी आरोप रहता है कि गरीब आदमी को ही परेशान किया जाता है, अमीर आदमी तक नहीं पहुंचा जाता। मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल देता हूं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी सिस्टम में करप्शन की बात आती है तो भले वो शुरू बड़े आदमी से होती है और वो छोटे आदमी पे ख़त्म होती है, लेकिन हमारा सिस्टम इतना चालाक है कि जो बड़ा आदमी है, बड़ा अधिकारी है या बड़े करप्शन करने वाले लोग हैं, वहाँ तक पहुँचना या उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना संभव नहीं हो पाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे इतिहास में आप चेक कर लीजिए, क्योंकि वो सब छोटे लोगों के माध्यम से ही वो करवाते हैं और वो छोटा व्यक्ति जो है वो उस कंजे में फंस जाता है और बड़ा व्यक्ति पाक साफ बच जाता है। ये हमारे सिस्टम की देन है। खैर, ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अपने जो मानसिक कहीं ना कहीं आपके तनाव रहते हैं या आपकी विचारधारा अलग अलग हो जाती है, उसको आप सही कर सकें और आप जान सकें कि हम बहुत ही एक साफ सुथरे तरीके से आपके प्रतिनिधियों को सामने लाने का प्रयास करते हैं और उनके विचारों को आपके सामने लेकर आते हैं। आज मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं बड़सर के जो विधायक हैं श्री इंद्र तलखनपाल जी, जो कांग्रेस के दूसरी बार विधायक बने हैं, उनसे मिलाने के लिए। और आज मैंने इनको खास चर्चा के लिए यहां पर इन्वाइट किया है स्टूडियो में। इस चर्चा का जो विषय रहेगा वो ये रहेगा कि इनका जो अपना व्यक्तिगत जीवन है, इनकी जो व्यक्तिगत सोच है और जो राजनीति है उसके बीच में क्या तालमेल है, कितना ये लोगों के बीच में जो जाते हैं डिजर्व करते हैं। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा लोगों के बीच में एक बात आती है कि भले काम हो या ना हो, कम करें ज़्यादा करें, लेकिन लखनपाल जी अच्छे व्यक्ति हैं। ये अच्छे व्यक्ति की जो बात है, क्या सच में ही अच्छे व्यक्ति की बात है या इनका कोई अडंबर है राजनीति का, मैं आपके बीच में आज लेकर चलूंगा और चर्चा कराऊंगा और बिल्कुल ऐसे आज इनके साथ तीखे सवाल भी करूंगा। इन तीखे सवालों के साथ में हम आपको लेकर चलेंगे और मिलाएंगे इनके व्यक्तित्व से। बने रहिए हमारे साथ में, चलिए आपकी बात कराते हैं विधायक इंद्र लखनपाल जी से। लखनपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवनोत्साह न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी। आज का जो कार्यक्रम होने वाला है सर, वो बहुत तीखे सवालों का होने वाला है, क्या तैयार है इनके लिए पहले तो? बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आज मैं कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं कर रहा हूं कि मैं सिर्फ आपकी उपलब्धियों की बात करूंगा। आज जो लोगों के सवाल हैं, जो लोग आरोप भी लगाते हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी वाले लगाते हों या फिर कोई भी जन मानस लगाता हो, हम चाहते हैं कि इन सवालों के जवाब उन लोगों को भी मिले और आपका जो व्यक्तित्व है वो निखर कर सामने भी आए। लखनपाल जी, इस बार कोरोना महामारी में जो देखा गया, बहुत सारे लोगों ने कार्य किए, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया, आप भी उस भूमिका में कहीं पीछे नहीं रहे, आपने अपनी तरफ से जो भी प्रयास किए,
लेकिन ये प्रयास जो मैंने देखे हैं या जो लोगों ने देखे हैं, इन प्रयासों में और आपके किए हुए प्रयासों के बीच में कहीं कोई गैप तो नहीं है? मैं उस बात को आज आप पब्लिक के बीच में लेकर आना चाहता हूं। और अभी सवाल उठा ये कि विधायक इंद्र लखनपाल जी को हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने सराहना कर दी कि आपने जो एक बहुत ही बेहतरीन कार्य किया कि एक जो बॉडी थी उसको जलाने के लिए आपके और आपके सुपुत्र ने मिलकर प्रयास किया और मनु डोगरा जी ने। लखनपाल जी, इसके बीच में क्या कोई राजनीति इन्वॉल्व थी या आपका व्यक्तिगत नजरिया था? देखिए रमेश जी, बहुत ही अहम सवाल है। और इस समय जो हमारा देश और प्रदेश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, एक देश में हमारे प्रदेश में जो महामारी का जो एक तांडव पिछले 2 महीने में देखने को मिला जी, और ये वक्त कोई राजनीतिक लाभ लेने का नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने के का समय अभी हमारा बहुत दूर है जी। और जो लोग ये सोचते हैं कि इसको मैंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया या प्रशस्ति पत्र लेने के लिए किया, तो वो हो सकता है कि उनकी मानसिकता वैसी रही होगी जी, या वो उनकी सोच में फर्क हो सकता है। देखिए, ऐसे समय में जब लोग भयभीत हो गए थे, डर गए थे और आदमी आदमी का दुश्मन हो गया था, 2 महीने पहले हम सब ठीक थे जी, खुशी के माहौल थे, ब्याह शादियों में जा रहे थे, सप्ताह तक होने शुरू हो गए थे जी, और पूजा पाठ लोग लग गए थे करने, मंदिरों के कपाट खुल गए थे, मंदिरों में भारी भरकम भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, लोग चारों तरफ खुशी का माहौल एक बड़े दिनों के बाद देखने को मिला था जी। लेकिन हुआ क्या, उस समय फिर से एक महामारी ने दस्तक दी और लोगों के कदम एक बार फिर रुक गए। और जो एक हमारे देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने एक नियम बना के रखे हैं कि इन नियमों के तहत आपने रहना है, प्रोटोकॉल के तहत रहना है, और जब इस महामारी के दौर में किसी की मृत्यु हुई या कोई पॉजिटिव आ गया गांव में व्यक्ति, तो उसके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया तो उससे तो दुख व्यथित हुआ ही हुआ है जी। और ये तो एक, हम लोग भी अपने घर में बैठे थे, और मैं आपको बताऊं कि पिछली बार भी जब कोरोना काल की दस्तक हुई थी जी, उस समय भी मैं घर में नहीं बैठा और वर्तमान समय में भी मैं घर में नहीं बैठा हूँ। एक बात जो विश्लेषण करते हैं राजनीति का और जो कटाक्ष करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। देखिए, आदमी की अच्छाई और बुराई का तभी पता लगता है जब उसके संदर्भ में कुछ बात बोली जाती है। बहुत से लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, बहुत से लोग बुरा बोलेंगे, कोई बोलेंगे ये राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है या आने वाले चुनाव हैं तो उसके लिए फायदा बटोरने की बात है। आप मुझे बताइए, मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ और चुनाव लड़ता हूँ जी, विधानसभा में MLA हूँ, और जब मैं MLA हूँ तो मेरी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं जी समाज के प्रति, और उनको जागरूक करना भी मेरा फर्ज है। उस फर्ज को मैंने निभाया और कोई ये सोची समझी रणनीति थोड़ी ना थी जी, कि कोई व्यक्ति मरेगा और मुझे बुलाएगा और मैं वहाँ पर कैमरे वालों को लेके जाऊँगा और मैं ये काम करूँगा, ये तो हमारे दिमाग में नहीं था जी। और मुझे तो मालूम भी नहीं है जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई बेचारे की, उप प्रधान जो है हमारे स्थानीय ग्राम पंचायत के जी, और जो प्रधान थे उनकी पति थे, उप प्रधान जी मेरे घर में आए, उससे पहले मेरे जो PA हैं मनोज कुमार जी, उनको टेलीफोन आया जी व्यक्ति का, उसके बेटे का जिसकी मृत्यु हुई, कि ऐसे ऐसे मेरे पिताश्री की मृत्यु हो गई और हमें मदद की ज़रूरत है जी। तो मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, उन्होंने मैं उप प्रधान जी भी आ गए, उन्होंने कहा भाई साहब ऐसी ऐसी बात हो गई और आपको चलना पड़ेगा। मेरा बेटा भी वहीं बैठा था, उन्होंने कहा पापा मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा चलो, हम तो सिर्फ देखने के लिए गए थे वहाँ की कि वहाँ क्या हुआ है जी। वहाँ पहुँच गए तो वहाँ का वातावरण देखकर, अब जिसके घर में मृत्यु हुई हो जी, 3 सदस्य घर में थे, पत्नी उसकी वो पॉजिटिव थी और पुत्र भी उसका बेचारा बाहर से आया था जी, वो अकेला था। अब ऐसे माहौल में जिसके घर में मृत्यु हुई हो, कितना दुखदाई, सबके दुख होता है, सबके घर में किसी के भी मृत्यु हो, चाहे अमीर है, गरीब है, चाहे मध्यम वर्गीय है, दुख तो होता ही अपने परिवार के सदस्य का, और ऐसी परिस्थितियों में वो बच्चा क्या करे। फिर हमने वहाँ पर, मैंने स्वयं BMO साहब को फ़ोन किया और मैंने उनको कहा कि आप अपनी टीम भेजिए,
और किट्स वगैरह भेजिए, साथ में स्ट्रेचर भेजिए, क्योंकि दूर था सड़क से घर जी ले जाने के लिए। तो आप देखिए जो आसपास के लोग थे वो इस वजह से नहीं वो हाथ लगा रहे थे कि वो डर रहे थे, क्योंकि डर पैदा हो गया था। एक जो सरकार ने जो नियम बनाए हुए थे कि भी दूरी रखनी है और प्रोटोकॉल के तहत उसको उठाना है, तो आम व्यक्ति तो घबराए गए जी। तो वहाँ पर फिर मैंने उनको थोड़ा प्रेरित किया, मेरा जब कोई नहीं किट पहनने के लिए तैयार हुआ तो मेरे बेटे ने किट पहनी, मेरे पीए ने किट पहनी, और दो आदमी, एक उनका बेटा था जी जिसकी मृत्यु हुई थी, दो आदमी हमें प्रशासन से मिले जी। पांच आदमी जो हैं वो उस डेड बॉडी को लेके साथ गए और मैं भी साथ में गया जी, और चार पांच लोग और भी साथ में गए और हमने उसका क्रीमेशन किया। तो इसमें राजनीति कहाँ से हुई? अब उसमें वो फिर आज सोशल मीडिया का एक वो है सिस्टम चला हुआ है, हर छोटी छोटी घटनाओं को लोग उसमें प्रकाशित करते हैं, तो उसका प्रकाशन हुआ फेसबुक में और मीडिया में, और उसका जो है वो संज्ञान राज्यपाल जी ने लिया जी। मैं तो मैंने कोई राज्यपाल जी को फोन करके थोड़ा ना बोला कि आप मुझे प्रशस्ति पत्र दें जी। उनको लगा कि कोई मानवता के लिए कार्य हुआ है, तो उन्होंने मुझे प्रशस्ति पत्र दिया, तो मुझे खुशी हुई। और दूरभाष भी मुझे बहुत लोगों के आए जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, आरएसएस के लोग भी थे, जो मेरे मित्र थे उनके भी फोन आए, विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने भी उसको सराहना की। तो मैंने कोई उसका कोई स्पेशल ये सब चीज़ें पाने के लिए थोड़ा ये काम किया, वो एक प्रेरणा के लिए और लोगों को अंदर से एक भय निकालने का मैंने काम शुरू किया। अच्छा लखनपाल जी, जैसे आपने ये पूरी बात बताई और आपने कहा कि व्यक्तिगत रूप से आप उसमें इन्वॉल्व रहे, राजनीति का उसमें कोई भी कारण नहीं था, वो बाय चांस की बात है कि वो एक इंसिडेंट सा बना। विधानसभा में आपके लगभग लगभग 8-9 साल पूरे होने जा रहे हैं और 2012 में आपने एक एमएलए के रूप में शपथ ली। जो लोग आज यहाँ पर बड़सर विधानसभा के खासकर लोग हैं, उनका ये सवाल रहता है कि चाहे वो पक्ष की बात करें या विपक्ष की भी रहती है, कि इंद्र लखनपाल जी ने भले काम किए हों या नहीं किए हों या कम किए हों, पर हाँ उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, वो किसी के पास भी, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो उसका वो आदर सत्कार करते हैं। लखनपाल जी, क्या इसके पीछे कोई आपका व्यक्तित्व है या यहाँ पर भी कोई राजनीति ही है? देखिए रमेश जी, ये तो अपने सोचने समझने का दायरा है जी। और जहाँ तक विधायक बने मुझे 7-7.5 साल हो गए हैं जी वर्तमान परिदृश्य में, और फिर राजनीति की बात चर्चा शुरू हो जाती है जी। अब राजनीति का क्षेत्र में हूँ तो राजनीति तो मैं तब करूँगा जब मुझे ज़रूरत होगी जी, और अगर कोई राजनीतिक बयान आ रहा है तो मुझे उसको राजनीतिक बयान के रूप में देना पड़ेगा जी। हालांकि मैं उसमें भी बहुत संजीदगी से सोच समझ कर बयान देता हूँ कि क्या मुझे बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, ये मेरी अपनी सोच रहती जी। और जहाँ तक व्यक्तित्व की बात है, इस व्यक्तित्व को बनाने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है जी। 40 वर्ष से मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और चुनावी प्रक्रिया में रहा हूँ। 10 वर्ष में पार्षद रहा शिमला में, 10 वर्ष मेरी धर्मपत्नी पार्षद रही शिमला में जी, और बहुत नज़दीकी से मैंने हर समस्या को देखा है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे अपना व्यक्तिगत विचार रहते हैं कि हर इंसान की इज्जत होनी चाहिए जी, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे मध्यम वर्गीय है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए जी। और यदि हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हम बुरा नहीं करना चाहिए जी। ये मेरी सोच में एक रहता समाहित रहता है और मैं हमेशा व्यक्ति का आदर करता हूँ, और यदि मेरे से काम करने का हो तो मैं उसको करता भी हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने काम नहीं किए, वो अलग बात है कि लोगों को दिखते नहीं, उनको अपने देखने का उनका नज़रिया अलग हो सकता है, और मैं उसको ज़्यादा प्रचारित नहीं करता जी। जब प्रचार करूँगा तो सब लोगों के सामने आएगा कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, जो मुझसे बन पाता था। देखिए रमेश जी, राजनीतिक जीवन में मैंने अपने परिवार को छोड़ा, अपने हर इंसान का एक मन में होता है कि मैं घूमूं फिरूं, ऐश परस्ती करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं। मैं जहां भी रहा, चाहे मैं शिमला में रहा, वहां मैं फुल डिवोशन के साथ काम किया, यहां हूं यहां भी पूरी डिवोशन के साथ काम कर रहा हूं। वो लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ को बुरा करता लगता है, कुछ लोग सोचते हैं राजनीति कर रहे हैं जी, जबकि जो मेरा अपना फर्ज है उसको मैं चाहे राजनीतिक तौर पर निभाऊं, चाहे मैं व्यक्तिगत तौर पर निभाऊं, उसको निभा रहा हूं। और मैं उसका कोई बड़ा भी अडंबर नहीं करता, मैं आपको बताऊं, और मैं झूठ का श्रेय नहीं लेना चाहता जी। जो मैंने किया है मैं वही बताऊंगा, अगर उसमें किसी और ने भी अंश किया तो मैं उसका भी सम्मान करता हूं जी। यहां तो लोग
जो हमारे काम किए हुए हैं उसको भी अपना गिनाते हैं। हम तो ये बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने भी काम किया है हम उसका भी सम्मान करते हैं जी, कि उसने काम किया है, लेकिन वो सोचने का नजरिया अपना है। अगर मैं कर रहा हूँ जी तो मैं जनता की भलाई के लिए कर रहा हूँ। एक राजनीति से हट के सबसे पहले हमें समाज का निर्माण करना है, वो मेरी एक प्राथमिकता में रहता है। चाहे मैं किसी भी पद पे बैठा हूँ, मेरा सबसे प्राथमिक जो ध्येय रहता है कि समाज के उत्थान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। हालांकि मैं पूरे समाज को तो भला तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना कर सकता हूँ उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। और जो हमारे लोग हैं, हमारी चाहे प्रदेश में है चाहे विधानसभा क्षेत्र में, जो हमारे युवा वर्ग हैं चाहे हमारे जो प्रताड़ित लोग हैं या आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको भी समझाने की कोशिश करता हूँ, और इसलिए कोशिश करता हूँ कि अमन और चैन बनी रहे। अच्छा लखनपाल जी, ये दो सवाल तो व्यक्तिगत आपके मैंने किए, जो लोगों के आरोप रहते हैं मार्केट के बीच में लोग बोलते हैं। अभी जो मेरा सवाल है वो ये है कि इस कोरोना महामारी की वजह से हमारे प्रदेश के तो युवा लोग बेरोजगार हुए ही हैं, वो तो कोई शक नहीं है, पर बड़सर विधानसभा के भी बहुत सारे युवक बेरोजगार हुए हैं, खासकर जो ऐसे लोग जो रसोइये थे वो उनकी रोजी रोटी ख़त्म होगी, बस चालक हैं या जो बसें चलाने वाले ड्राइवर्स हैं वो सब, टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स, इवन दिन बस के मालिक, ये सभी लोग जो हैं वो आज बेरोजगार हुए। मैं बड़सर विधानसभा की अभी बात कर रहा हूँ। एक विधायक होने के नाते इन लोगों के दर्द को आप किस तरह से व्याख्यान करेंगे और किस तरह से इस दर्द को ठीक करने के लिए आप सरकार तक लड़ाई कर सकते हैं या किस तरह से इसको आप चैलेंज के रूप में ले सकते हैं? देखिए, आज का जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर व्यक्ति को आंच लगी है। आज हमारे जो टैक्सी ऑपरेटर हैं उनको परेशानी हुई है, और सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे बस ऑपरेटर्स को हुई है जी, और उससे साथ बढ़कर जो हमारे युवा लोग थे जो नौकरी पेशा कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, वो घर में बैठ गए हैं, उनको समस्या हुई है। आज ये दो बातें हैं। अब यहाँ पर मैं इस वक्त सरकार में नहीं हूँ, विपक्ष में हूँ जी, लेकिन विपक्ष में रहकर भी हमने इन समुदायों की आवाज़ को पूरे जोर से उठाया जी, चाहे बसों की समस्या की बात है, चाहे रोजगार की बात है, बेरोजगारी की बात है, और समय समय पर हम उठाते हैं और अभी भी उठाएंगे, पूरे जोर से उठाएंगे, क्योंकि इनकी समस्या सही मायने में सही समस्या है। और इनके साथ अब एक बस ऑपरेटर के साथ जो है कम से कम 10 परिवार पलते हैं जी, और इसी प्रकार से टैक्सी वालों का भी है, हर व्यक्ति, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से हमारा प्रदेश तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया जी। और इन सब चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है हमारा, और यदि हम उसको राजनीतिक तौर पर उठाते हैं फिर राजनीति की बात आ जाएगी जी। अगर हम इसको तूल देते हैं तो लोग पक्ष के लोग लग जाएंगे बोलने, तो राजनीति कर रहा जी। अब हम राजनीतिक परिवेश में रहते हैं तो हर बात को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, जनता के हितों के लिए बोलना पड़ेगा, और उनको जिस परिवार में समस्या खड़ी हो रही है उसकी तरफ देखना चाहिए। इस कोरोना काल में कितने घर बर्बाद हो गए, इतनी अव्यवस्था थी, आज भी अव्यवस्था है। सरकार जितने मर्जी बड़े दावे कर ले, आज वो हॉस्पिटल में जाए एक आम व्यक्ति बनकर जाए बिना पहचान के, उसको पता लग जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं आम जनता के लिए। लोग इतने परेशान हैं, बड़ी बड़ी स्वयंसेवक की टीमें बनी हुई हैं। रमेश जी, इस कार्यकाल में, कोरोना काल में, उन महिलाओं से पूछो जो अपने कंधे पे सिलेंडर लेके गई अपने पति को बचाने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए जी। और उसे ये मालूम नहीं है कि ये सिलेंडर भरा हुआ है कि खाली है, वो लड़खड़ाते जैसे मर्जी पहुंचकर उसने वहां पहुंचा दिया। व्यवस्था की बात करते, सरकार बोलती है, बहुत बड़े बड़े दावे करती है, अरे जो जनता को सुविधा देनी है, जो मरीज व्यक्ति है उसके बारे में सोचो पहले कि हमने इसको कैसे व्यवस्थित तरीके से करना है। आप अटेंडेंट को तो बोल रहे हैं आप बाहर बैठिए, आप अंदर नहीं जा सकते, आप क्यों नहीं उसमें उसको पारदर्शिता से बताते, क्यों नहीं सीसीटीवी लगाते बाहर की उसके मरीज के साथ क्या हो रहा है, उसको ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रहा है। अगर अटेंडेंट नहीं जाना है तो आप वहाँ पे वार्ड बॉय रखें, वो सरकार का दायित्व है कि जो सिलेंडर एक महिला उठा के जा रही है जिसे उठाया भी नहीं जा रहा है और वार्ड बॉय वहाँ है नहीं है, उसके पेशेंट को वो ऑक्सीजन लगी है कि नहीं लगी है, कितनी लगी है कितनी नहीं लगी है, कौन देखेगा उसको? अटेंडेंट तो बेचारा वो तो ले मैन है, उसको क्या पता कैसे ऑक्सीजन लगाते। एक डॉक्टर के साथ आपने दो नर्सें दे दी, डॉक्टर क्या इंसान नहीं है, नर्सें इंसान नहीं है? आप उनके साथ पर्याप्त स्टाफ दो जो एक
उनको जो है मरीजों को सही मायने में वो इलाज करे उसका, बिना इलाज के बिना ऑक्सीजन के लोगों ने दम तोड़ दिए, और हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई 50-60 लोग मृत्यु के ग्रास में गए, कौन जवाब दे इसका? कुछ कोई जवाब दे नहीं है इसकी। और दूसरा, NIT हमीरपुर में जो ऑब्जर्वेशन में जो रखा जाता है पॉजिटिव व्यक्ति, एक शुगर पेशेंट को आप आलू दे रहे हैं खाने को, चावल दे रहे हैं खाने को, और आप लीची का जूस दे रहे हैं उसको पीने को, गावा का जूस दे रहे हैं उसको पीने को, तो ये कहाँ की व्यवस्था है? हम इस व्यवस्था की लड़ाई की बात करते हैं जी, कौन सुधार करेगा इसमें? आप जो डॉक्टर डाइट चार्ट बनाते हैं कि शुगर पेशेंट को जो है मीठा नहीं देना है, आलू नहीं देना है, चावल नहीं देना है, और वहां पर जो है उनको आलू खिलाए जा रहे हैं, चावल खिलाए जा रहे हैं, और साथ में उनको फल कौन से दिए जा रहे हैं जो शुगर पेशेंट को देने ही नहीं है, तो फिर क्या किस प्रकार की व्यवस्था है? लगभग कम से 5 से 10 मरीज वहां से छोड़कर आ गए घर को, तो ये तो मतलब कि मौत के कुएं सरकार बना रही है, और उसके ऊपर व्यवस्था जो है वो जीरो है, और के स्टेटमेंट दे देते हैं पेपर में कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया। अरे उसका करने का करा आप कर, हम ये नहीं बोलते कि सरकार की तरफ से प्रयास कम हुए, लेकिन नाकाफी हैं। आप व्यवस्था को भी देखिए, मैं स्वयं जाकर आया हूँ अस्पतालों में कि कितनी बुरी हालत है मरीजों के साथ, क्या उनका उपचार ठीक से नहीं हो पाता है, और जो वहाँ पर स्टाफ हैं, जो नर्सेज हैं, उनके हाथों में ग्लव्स नहीं होते हैं, क्या व्यवस्था है वो? जब आपको पता है ऐसी संक्रमण के समय में आपके जो काम करने वाला स्टाफ है उनके हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, सर्जिकल ग्लव्स होने चाहिए ताकि अच्छे से ट्रीटमेंट हो, तो कोई व्यवस्था तो है ही नहीं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। हेल्थ सर्विसेज हमारी सबसे पुअर है जी, वो आज पता लगा लोगों को कि किस प्रकार से उनके साथ हुआ, और जब उनके मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद उनके अब डेथ सर्टिफिकेट की बात आ गई जी, डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं लोगों को, जबकि आपके किसी मरीज की मृत्यु हो गई वहां पर उसी समय रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं आप, अब हमेशा हर चीज को अखबार में आलोचने के लिए मत देखिए, आप सही मायने में देखिए कि जो हम योजनाएं बना रहे हैं वो क्रियान्वित भी हो रही हैं, आम जनता को उसका लाभ भी मिल रहा है, जो एक ले मैन है वो चीखेगा नहीं, एक मेरे जैसा या जो सिफारशी आदमी है वो तो सब कुछ करा लेगा जी, जिसकी सिफारिश नहीं है, जिसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं है, उसके साथ तो दुत्कार के बाहर निकाले जाए, नेर चौक से जो है दुत्कार के बाहर निकाले गए पेशेंट, ये तो व्यवहार हुआ उनके साथ, पेशेंट्स के साथ। एक तो वैसे ही वो डरा हुआ है, ऊपर से और डरा रहे हैं आप उनको।